Hey guys, how are you? This is Stabilizer. You're watching Stabilizer Gaming. दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि GTA 5 को जो एपिक गेम्स है, जब आप एपिक गेम्स से लॉन्च करते हैं तो जब आप गेम खेलने लगते हैं तो गेम आपकी पीसी में इस तरह से अटकता है जैसे कि ये आपका पीसी चलने ही नहीं देता होता इस तरह, क्योंकि ये बताऊंगा जो रॉकस्टार ने इसके अंदर हैवी किसिंग का जो DRM लगाया हुआ है उसकी वजह से होता है। तो गाइस आज मैं आपकी तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को ठीक कैसे करते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं GTA 5 मेरे PC में चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ये मिशन कम्प्लीट करूँगा तो बाद में ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि ये क्रैश कर जाएगा और बाद में ये रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको जगह बता दो कि ये कहाँ पे जाकर क्रैश कर, मतलब कि ये स्टक होता है और ये रुक जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी गेम बहुत ही ज़्यादा लैग भी कर रही है, तो देखते हैं कि कहाँ पे ये रुकता है। तो गाइस जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपका गेम आहिस्ता आहिस्ता जो है लैग होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी स्टटर भी करेगा और बाद में ये थोड़ी देर बाद क्रैश भी कर जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लैग और स्टटर हो रहा है, ये क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर है इसको आगे चला नहीं पा रहा और बाद में ये इस तरह का नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर देता होता है, ये खुद क्लोज हो जाता होता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने जो GTA 5 की जो एपिक गेम्स की जो डायरेक्टरी है वहाँ पे जाना है। इस फोल्डर को सबसे पहले आप रीनेम कीजिए कुछ इस तरह से, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 जैसे कि जो फुल नेम होता है उसमें, इस तरह से हमने इसको रीनेम करना है। रीनेम होने के बाद इसके बाद आपने इस फोल्डर को खोलिए, यहाँ पे जो .eg स्टोर और जो ये वाली फाइल्स हैं इनको सेलेक्ट कीजिए। गाइस ये वाली ना गेम की ओरिजिनल फाइल्स है, इसलिए आप इनका एक अलग से बैकअप बना लीजिए, ठीक है। कट करके दूसरे फोटो में लेगी GTA 5 का बैकअप, ये अलग से फोटो बना लेना है, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आपने ये वाला फोल्डर दोबारा खोलना है, इसके बाद अपडेट फोटो भेजिए, ये जो अपडेट और RPF है इसको भी यहाँ से कट। और यहाँ से GTA 5 का जो बैकअप है इधर फोटो में जाएगा, दोबारा इधर फोटो बनाई अपडेट के नाम से। इस फोल्ड और इसके बाद यहाँ पे लाकर आप पेस्ट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक फाइल मिलेगी, वो वाली 1.24 GB की, जिसका नाम है GTA 5 Epic Games। उसके अंदर आपको एक और फोटो मिलेगा GTA 5 का क्रैक बैकअप। तो यहाँ पे आपको सारी फाइल्स को कॉपी करके अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में पेस्ट कर दीजिए, बस सिर्फ आपने सिर्फ इतना सा काम करना है। यहाँ पे update.rpf इसी फोल्डर के अंदर ही मिलेगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने जो GTA 5 का जो आइकन है राइट क्लिक सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इसके बाद में आप ये वाला जो पहले से आइकन होगा इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने GTA 5 को ओपन करना है। गाइस तो ये GTA 5 ओपन होने में थोड़ी सी देर लगेगी, कुछ देर बाद GTA 5 ओपन हो जाएगी, तो देखते हैं कि गेम काम भी कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं हमारा GTA 5 स्टार्ट हो चुका है बिना किसी एरर के, बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी रॉकस्टार लॉन्चर या फिर एपिक गेम्स लॉन्चर की मदद से। हमने GTA 5 को वर्जन 1.868.1 में किया है, जी हाँ वर्जन 1.868 में डाउनग्रेड किया है, जो कि वो जो एपिक गेम्स वाला है ना वर्जन
2060.1 है, ये वाला वर्जन 1868 है, जो कि ये मैं वीडियो गेम जो कि गेमिंग जोन है वहाँ से मैं कॉपी कर कर फाइल्स लेके आया था। इन फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक ये गेम को लोड होने देते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, बहुत देर के बाद स्टार्ट हुआ है गाइज़। तो असल में ये मेरा जो लो एंड पीसी है उस इसने ना गेम को लोड होने में 12 से 13 मिनट लगा दी, जिसकी वजह से मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा था। एनीवे आप देख सकते हैं गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमारा गेम थोड़ा आपको थोड़ा सा लैग भी दिखा क्योंकि मेरे पास बहुत लो एंड पीसी है, हमारी ये टेक्सचर्स कुछ भी लोड नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं मेरे पास बताऊँ क्या है, 4GB रैम है और इंटेल का कोर i3 और इंटेल HD ग्राफिक्स में मैं ये गेम को मैं रन कर रहा हूँ, वो भी 25 FPS में। यस गाइस 25 FPS में बहुत अच्छा खेलने होता है, स्पेशली मैं ऐसी मैं इसी गेम को इंजॉय भी करता हूँ। 800-600 हर रेजोल्यूशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बीच में जो बेल आइकन है वो दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही गेमिंग वीडियोज़ में लाया करूँ। अगर आपके मन में किसी किस्म का कोई डाउट हो नीचे मुझे कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द लाया करूँ। गेमिंग वीडियो इसी चैनल पर लिंक मिलेंगी, स्टेबलाइजर गेमिंग टेक और स्टेबलाइजर गेमिंग पर भी। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय द गेम प्ले।